एक सेशन जज की इतनी औकात कि वो सेक्रेटरी दिफा को निकालने का हुक्म दे, अब उसे अपनी ही नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। ये मामला क्या है और एडिशनल सेशन जज ने आखिर सेक्रेटरी दिफा को क्या कह दिया था कि जज को ही ओएसडी बना दिया क्या? एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी वारिस अली को एक केस में 17 नवंबर को सेक्रेटरी दिफा को ओहदे से हटाने का हुक्म देना इतना महंगा पड़ा कि एडिशनल सेशन जज वारिस अली को ही ओहदे से हटाने का हुक्म जारी कर दिया गया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को 24 नवंबर के लिए नोटिस जारी किया था, आज वो जज खुद ही ओएसडी बना दिया गया। सेक्रेटरी दिफा ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वारिस अली के एक अदालती हुक्म पर अमल करने से इनकार कर दिया था। जज वारिस अली ने हुक्म में लिखा था कि 10 नवंबर का ऑर्डर सेक्रेटरी दिफा को भेजा गया, जिसमें उनसे फौज के कारोबारी मामलात के हवाले से मुनाफे के बारे में जवाब जमा कराने के लिए कहा गया, मगर सेक्रेटरी दिफा की जानिब से इस पर अमल नहीं किया गया। एडिशनल सेशन जज ने अदालती ऑर्डर के मुताबिक सेक्रेटरी दिफा से ये पूछा था कि अफवाज पाकिस्तान किस कानून के तहत कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए है। एडिशनल सेशन जज वारिस अली के अदालती ऑर्डर में लिखा गया कि आइन के आर्टिकल 254 फौज के किरदार और काम की नौयत की वाज़ह तायुन करता है। इस पर अदालती रिपोर्टर साकिब बशीर ने इसकी तफसीलात शेयर करते हुए कहा कि एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी वारिस अली ने एक केस में 17 नवंबर को सेक्रेटरी दिफा को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया, अटॉर्नी जनरल को 24 नवंबर के लिए नोटिस जारी किया कि बताएं फौज क्या कारोबारी मामलात चला सकती है, लेकिन आज जज को ही हटा दिया गया है। रोजनामा 92 पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान पर पब्लिक नोटिस इशू करने का ऑर्डर करते हुए लिखा, क्योंकि अवामुन्नास के हकूक का मामला है, इसलिए तमाम पब्लिक को बताया जाए कि वो आइंदा समाअत पर हाजिर होंगे। चीफ सेक्रेटरी हुकूमत पाकिस्तान को हुक्म दिया था कि वो पब्लिक नोटिस ऑर्डर पर अमल करवाएं, लेकिन अमल नहीं हो सका। साकिब बशीर के मुताबिक कुछ मामलात में जज ने इख्तियार से तजावुज़ किया, ठीक काम भी बगैर इख्तियार के करेंगे तो वो गलत ही होगा। अब फिर लाहौर हाईकोर्ट ने आज मुतलका जज को ओएसडी बना दिया है, यानी उन्होंने अब 24 नवंबर के लिए जो नोटिस जारी किया था तो ये केस तो मुतलका जज नहीं सुन पाएंगे।